ईश्वरन द स्टोरी टेलर इस 9th क्लास के चैप्टर का सेकंड पार्ट हम इस वीडियो में शुरू करते हैं। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम। उस समय मैं जूनियर क्लास में पढ़ता था। जूनियर क्लास यानी 6 से 8 क्लास, छोटे बच्चों की कक्षा में जूनियर क्लास में पढ़ता था। एंड वाज वॉचिंग द ओल्ड ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप। सब बच्चे अध्यापक छत के ऊपर चढ़ गए थे हाथी को देख के, तो कतक मैं भी वाज वॉचिंग द ओल्ड ड्रामा, पूरे इस ड्रामा को जो हो रहा था हाथी के द्वारा, वो छत के ऊपर चढ़ के मैं देख रहा था। आई डोंट नो व्हाट केम ओवर मी सडनली। अब मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर अचानक से क्या हुआ। आई ग्रैब्ड, ग्रैब का मतलब छीनना। आई ग्रैब्ड ए केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर। एक अध्यापक के हाथ में छड़ी थी, उसको मैंने छीन लिया। एंड रन डाउन द स्टेयर्स एंड इन टू द ओपन। और दौड़ा दौड़ा सीढ़ियों से नीचे आया और खुले ग्राउंड में, ओपन ग्राउंड के जहाँ हाथी था वहाँ आ गया। द एलिफेंट ग्रंटेड, ग्रंट गुस्से में दहाड़ा चिल्लाया। एंड मीनाकली स्वैंग ए ब्रांच ऑफ ए ट्री विच इट हेल्ड इन इट्स ट्रंक। और उसने गुस्से में एक टहनी, जो उसने पेड़ की शाखा को उसने अपने सूंड के अंदर, अपने ट्रंक के अंदर से पकड़ा हुआ था, उस टहनी को मेरी ओर से फेंका। इट स्टैम्प्ड, स्टैम्प होता जोर से, गुस्से में पैर पटकना। इट स्टैम्प्ड इट्स फीट, उसने गुस्से में अपने पैरों को पटका। किकिंग अप ए लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, और बहुत सारे कीचड़ और धूल को लात मार के उछाला। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, ये देखने में बड़ा ही भयानक लग रहा था। बट आई मूव्ड स्लोली टुवार्ड्स इट, लेकिन मैं भी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। स्टिक इन हैंड, और मेरे हाथ में वो छड़ी थी अध्यापक वाली डंड। पीपल वर वॉचिंग द सीन हाइपनोटाइज, अचंभित होके सब लोग उस सीन को, नज़ारे को देख रहे थे। फ्रॉम नियर बाय हाउस टॉप, तो स्कूल के आसपास के घरों के छतों पे लोग चढ़े हुए थे, वो देख रहे थे। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड, उस हाथी ने मेरी तरफ लाल लाल आँखें करके देखा। रेडी टू रश टुवर्ड्स मी, और मेरी तरफ दौड़ने के लिए बस वो तैयार हो रहा था। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक, ट्रंक होता सूंड, हाथी की सूंड, उसने अपने सूंड को ऊपर उठाया। लिफ्टेड एंड ट्रम्पटेड लाउडली, और जोर से चिंगाड़ा। एट दैट मोमेंट, उसी समय आई मूव्ड फॉरवर्ड, मैं भी थोड़ा और आगे बढ़ा। एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, और मैंने पूरा जोर लगा के, पूरी ताकत इकट्ठी करके, वेग्ड इट्स थर्ड टॉय नेल ऑन द क्विक। और टॉय नेल होती है पैर का नाखून, पैर की उंगलियों का नाखून, टॉय नेल। तो तीसरी उसकी अंगुली थी हाथी के पैर की, तुरंत क्विक, तुरंत मैंने उसके ऊपर चोट मारी। द बीस्ट लुक्ड स्टैंड फॉर ए मोमेंट, और वो जानवर, बीस्ट माने जंगली जानवर, कुछ देर के लिए स्टैंड हो गया, यानी चुपचाप हो गया, सुन हो गया। देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट, शिवर्ड होता कांपना, फिर वो सिर से लेके पैर तक वो कांपने लगा। एंड कोलैप्स्ड, और ढेर हो गया, लुढ़क गया। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड। अब ईश्वरन ने इतनी कहानी सुनाई हाथी की, हाथी के बारे में, अब वो कहानी अनफिनिश्ड थी, ख़त्म भी नहीं हुई थी। एंड गेट अप मम्बलिंग, और थोड़ा सा बुड़बुड़ाता हुआ खड़ा हो गया। आई विल बी बैक, मैं भी थोड़ा पीछे हुआ। बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस, गैस जला के, गैस का प्रकाश करके। एंड वार्मिंग अप द डिनर, और जो डिनर था वो ठंडा हो गया था, उसको गैस के ऊपर गर्म करते हुए। महेंद्र हु हैड बीन लिसनिंग, महेंद्र जो कि उसकी कहानी को सुन रहा था, विद रैप्ड अटेंशन वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, वो भी उस कहानी को बड़े ध्यान से सुन रहा था। जो कहानी उसने पीछे छोड़ दी थी, अधूरी कहानी रह गई थी। व्हेन ही रिटर्न, और जब वो गैस
ऑन करके खाना गर्म करने के लिए गया था और फिर वापस आया, व्हेन ही रिटर्न, ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट वे। ईश्वरन कहानी के उस सूत्र को नहीं पकड़ पाया कि कहाँ से कहानी शुरू की थी, क्या कहानी सुनाओ, क्योंकि ईश्वर तो मनगढ़ंत कहानी सुनाता था, बैठा बैठा कहानी जोड़ता रहता था, सुनाता रहता था। महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम। अब महेंद्र को उसको याद दिलानी पड़ी कहाँ तक कहानी सुना दी थी। दैट द कंक्लूजन वाज पेंडिंग, और कहानी का जो कंक्लूजन था, जो कहने का आशय था, वो तो अभी पेंडिंग था, वो तो बकाया था। वेल, ए वेटनरी डॉक्टर वाज समन टू रिवाइव द एनिमल। हाँ, अब उसके समझ में, हाँ, फिर एक पशुओं के डॉक्टर को बुलाया गया, समन का मतलब होता बुलाना, टू रिवाइव द एनिमल, उस जानवर को रिवाइव करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए एक पशु चिकित्सक को बुलाया गया। ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली, और ईश्वरन अब ऐसा कह के धीरे से, ईश्वरन ने ऐसा कहा, टू डेज लेटर इट वॉज लेड अवे बाई इट्स महावत टू द जंगल। और दो दिन के बाद वो अपने महावत, उस हाथी का जो महावत था, उसका महावत उसको ले के गया, दो दिन के बाद उसको जंगल के अंदर ले गया। नेक्स्ट में है, वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन। ईश्वरन तुमने ये सब कुछ कैसे मैनेज किया, कैसे किया ये सब कुछ, तुम तो छोटे बच्चे थे। हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट, इतने छोटे बच्चे ने एक इतने भारी भरकम जंगली जानवर कैसे गिरा दिया। इट हैज़ समथिंग टू डू विद जापानीज आर्ट आई थिंक, मेरे विचार से तो ये कैसे, जैसे जापानी कोई कला हो, जापान की आर्ट होती कुंग फू, उससे मिलती जुलती आर्ट है। सर, कराटे और जू जित्सु इट इज कॉल्ड। सर, इसको कराटे या जू जित्सु कहा जाता है। आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर, इसके बारे में मैंने कहीं सुना था, कहीं पढ़ा था। इट टेम्परेरी पैरालाइज द नर्वस सिस्टम यू सी, तुम देखोगे, तुम जानते हो कि ऐसा करने से किसी के नर्वस सिस्टम को टेम्परेरी रूप से पैरालाइज कर दिया जाता है। नॉट ए डे पास्ट विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर, कोई भी दिन ऐसा नहीं बीतता था, नॉट ए डे पास्ट, एक भी दिन ऐसा नहीं बीतता था विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर, कि ईश्वरन कोई एडवेंचर भरी, रोमांच भरी कहानी बुन के सुना ना दे, कोई ना कोई कहानी वो सुनाता रहता था। एडवेंचर की कहानियाँ, हॉरर डराने वाली एंड सस्पेंस रहस्य वाली कहानियाँ सुनाता था। वेदर द स्टोरी वाज क्रेडिएबल और नॉट, चाहे वो कहानी सुनाने के योग्य हो या न हो, महेंद्र इंजॉय लिसनिंग टू इट, महेंद्र उसको सुन के बड़ा आनंद उठाता था, उसको बड़ा मज़ा आता था। बिकॉज ऑफ द इनइमिटेबल वे इन विच इट वॉज टोल्ड, क्योंकि कहानी का चाहे कैसी हो, लेकिन उसको जो सुनाने का तरीका था, इनइमिटेबल वे सुनाने का तरीका था, वो बड़ा उसको पसंद था। ईश्वरन शेम्ड इट, शेम टू मोर देन मेक अप फॉर द एब्सेंस ऑफ ए टीवी इन महेंद्र लिविंग क्वार्टर। अब महेंद्र के कमरे में, रहने के कमरे में टीवी नहीं था, तो टीवी की कमी, एब्सेंस ऑफ ए टीवी, ईश्वरन कहानी सुना के पूरी कर देता था। वन मॉर्निंग व्हेन महेंद्र वाज हैविंग ब्रेकफास्ट ईश्वरन आस्क, एक सुबह जब महेंद्र खाना लेकर जा रहा था, खाना खा के ब्रेकफास्ट लेके, ईश्वरन पूछा, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट सर, सर आज रात क्या मैं खाने में कोई स्पेशल बनाऊँ विशेष। आफ्टर ऑल टुडे, टुडे इज एन एस्पिशियस डे, क्योंकि आज का दिन है वो बड़ा ही एस्पिशियस डे है, बड़ा शुभ दिन है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस डेलिशियस टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ एनसेस्टर्स ट्रेडिशन। सर, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, हमारी परंपराओं के अनुसार, वी प्रिपेयर वेरियस डेलिशियस टू फीड, हम कुछ विशेष प्रकार का स्वादिष्ट खाना किस लिए बनाते हैं, द स्पिरिट्स ऑफ आवर एनसेस्टर, हमारे पूर्वजों के लिए, आज के दिन उनकी आत्मा को खाना खिलाने के लिए विशेष प्रकार का खाना, स्वादिष्ट खाना बनाते हैं। दैट नाइट महेंद्र इंजॉय द मोस्ट डेलिशियस डिनर, उस रात महेंद्र ने बहुत स्वादिष्ट, डेलिशियस, बहुत स्वादिष्ट शाम के भोजन का आनंद उठाया। एंड कंप्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज क्लीनरी स्किल्स, और जो ईश्वरन के जो स्किल थी खाना बनाने की, उसकी उन्होंने प्रशंसा की।
ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड, वो बहुत ही खुश दिखाई दे रहा था, बट अनएक्सपेक्टली, लेकिन बिना बट अनएक्सपेक्टली लॉन्च्ड इनटू ए मोस्ट गैरिस अबाउट इन्वॉल्विंग द सुपरनेचुरल। लेकिन उसके साथ साथ अब तक तो वो बहुत खुश दिखाई दे रहा था, लेकिन बिना इच्छा के, अनएक्सपेक्टली बिना इच्छा के कुछ उसके अंदर कहानी में कुछ और, कुछ सुपरनेचुरल और भी कुछ उसमें उसने जोड़ दिया, यानी भूत प्रेतों की कहानी उसने और जोड़ दी उसमें। यू नो सर, सर तुम तो जानते हो, दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपिंग वाज वंस ए बुरियल ग्राउंड। अब उसने कहानी को देखो नए तरीके से कैसे उन्होंने, यू नो सर तुम तो जानते हो, दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया, ये पूरा जो फैक्ट्री एरिया है वी आर ऑक्यूपाइंग, जिसको हम रह रहे हैं, जहाँ फैक्ट्री बनाने का काम निर्माण कर रहे हैं, वाज वंस ए बुरियल ग्राउंड, वो पहले एक बुरियल ग्राउंड था जहाँ मरे हुए को दफनाया जाता है। ही स्टार्टेड, कहानी उसने शुरू कर दी, महेंद्र वाज जर्कड आउट ऑफ द प्लीजेंट रिवरी ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाई मील। अब उसने तो कहना शुरू किया था कि महेंद्र ने बहुत बढ़िया भोजन करके उसके बारे में विचारों में डूबा हुआ था, ये सुनकर उसको अचानक से जर्क आउट, उसको झटका लगा,